आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट स्टडी जो कि डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है इकोलॉजी क्या है और इकोसिस्टम सिस्टम क्या होता है तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट तो एनवायरनमेंट अगर बात किया जाए तो फ्रेंच वर्ड इन वॉर्नर जो कि फ्रेंच वर्ड है इसे ड्राइव किया गया है एनवायरमेंट जो कि जिसका मतलब ये है कि एनवायर जिसका मतलब है कि सराउंड यानी कि हमारे चारों आसपास जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं उसको एनवायरमेंट कहा जाता है बेसिकली एनवायरमेंट मतलब कि हमारी सराउंडिंग जिसमें कि हमारे जो आसपास हमारे चारों ओर जो कि बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल एंटाइटीज हैं जो कि एनवायरनमेंट को बनाते हैं बायोलॉजिकल का मतलब होता है जो कि जीवित हैं जो कि जीवित हैं नॉन बायोलॉजिकल मतलब जो कि जीवित नहीं है तो ये ऐसी एंटिटीज़ जो रहती हैं हमारे आसपास चारों ओर जो कि एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूडेड होती है अगर डेफिनेशन की बात करें हम एनवायरनमेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि टोटल एयर वाटर लैंड ये जब भी हमारे आसपास प्रेजेंट होती हैं यानी कि लैंड एयर वाटर और इनका आपस में कैसा इंटरेक्शन है यानी कि इंटरेक्शन रिलेशनशिप कैसा है इंटर रिलेशनशिप कैसा है इनके बीच में और साथ में ह्यूमन बींग्स जो कि हम ह्यूमन बींग्स हैं या और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या मटेरियल्स हैं जो कि अवेलेबल होते हैं हमारे आसपास चारों ओर तो इन सब का म्यूचुअली आपस में कैसा रिलेशनशिप है क्या इंटरेक्शन है यही होता है एनवायरनमेंट यानी कि किस कैसा रिलेशनशिप है अब बात करते हैं कि एनवायरनमेंट की स्टडी करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है क्या होता है कि अगर मान लो एक बैलेंस बना के चलना होता है हमें जब भी हम रह रहे होते हैं या कुछ चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें बैलेंस बना कर चलना है ये नहीं हो कि हम कुछ काम कर रहे हों तो दूसरा उसकी वजह से अफेक्ट ना हो यानी कि दूसरे को उसका बुरा इफेक्ट ना पड़े यही हमें देख के चलना होता है तो क्योंकि हमारा एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेशनशिप रहता है हमारी एक दूसरे के जुड़े होते हैं अगर हम कुछ गलत करेंगे तो वो हमारे इन्वामेंट पे गलत इफ़ेक्ट डालेगा इस वजह से एनवायरनमेंट की स्टडीज़ करना ज़रूरी है क्योंकि आ, ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिज़म पे इफ़ेक्ट करता है तो अगर आ, बात की जाए साइं स्टडी जो कि एनवायरमेंटल साइंस क्या होती है यानी कि एनवायरमेंटल साइंस की डेफिनेशन क्या है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सराउंडिंग एंड देयर इंटरेक्शन इस कार्ड एनवायरमेंटल साइंस एक तो हम बेसिक ये देखें कि क्या क्या हमारे चारों ओर प्रेजेंट है एक हम ये देखें कि साइंटिफिकली प्रॉपरली उसको स्टडी किया जाए क्या क्या कंपोनेंट हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं और उनका कैसा इंटरेक्शन है यानी कि जो साइंस के नियम्स को लगा के हम स्टडी करें कि कैसे कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं और उनका इंटरेक्शन कैसा है इसको बोला जाता है एनवायरमेंटल साइंस और आती है दूसरी बात एनवायरमेंटल स्टडी क्या होती है या एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होती है यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी या एनवायरमेंटल एजुकेशन तो क्या है एजुकेटिंग पीपल अबाउट इन्वायरमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम्स यानी कि पीपल्स जो भी हम ह्यूमन बींग्स हैं उनको एजुकेट करना शिक्षा देना कि एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यानी कि शिक्षित करना एजुकेशन प्रोवाइड करना एनवायरनमेंट की एजुकेशन देना कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ये होता है एनवायरमेंटल स्टडी देन आती है बात इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है जो कि अनस है ने दी थी 1869 में जो कि ड्राइव हुई थी टू ग्रीक वर्ड्स इकोस जिसका मतलब है होम और लोगोस का मतलब है स्टडी यानी कि होम स्टडी इस तरीके से इकोलॉजी इज द स्टडी ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल होम इंटरैक्टिंग विद देर सराउंडिंग यानी कि नेचुरल जो प्रकृति ने आ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए व्यवस्था करी है घर बनाया है नेचुरल यानी कि कहाँ पे वो सर्वाइव कर सकता है कोई भी ऑर्गेनिज्म तो नेचुरल होम आ, के साथ में आ, उसकी स्टडी करना और कैसा इंटरेक्शन है उसका आसपास के एरियाज के साथ में या सराउंडिंग के साथ में यानी कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन देर नेचुरल होम इंटरेक्टिंग विद देयर सराउंडिंग द सराउंडिंग कंसिस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बायोटिक कंपोनेंट हैं और साथ में फिजिकल फैक्टर जो कि एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं एग्जाम्पल के लिए अगर बात की जाए हाउ ए स्मॉल इंसेक्ट इन फॉरेस्ट इंटरेक्ट विद एयर वाटर सोयल प्लांट एंड अदर एनिमल इज स्टडीज इन इट्स इकोलॉजी यानी कि अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो एक छोटा सा इंसेक्ट अगर वो जंगल में रह रहा है फॉरेस्ट में रह रहा है तो उसका कैसा इंटरेक्शन है उसकी सराउंडिंग्स के साथ में सराउंडिंग में वाटर रहता है एयर रहती है सोइल भी रहती है प्लांट्स भी होंगे और दूसरे एनिमल्स भी होंगे तो इन सब की स्टडीज करना ही इकोलॉजी है यानी कि उसका होम एनवायरनमेंट है और उसके चारों ओर जो भी प्रेजेंट रहता है लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स और उनके साथ में कैसा इंटरेक्शन है इसकी स्टडी को बोलते हैं ईकोलॉजी नेक्स्ट आता है सिस्टम ईको इकोसिस्टम क्या है एन इकोसिस्टम इज ए सेल्फ रेगुलेटिंग ग्रुप ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज ऑफ स्पीसीज इंटरेक्टिंग विद वन अनादर विद देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट एक्सचेंजिंग मैटर एंड एनर्जी यानी कि इकोसिस्टम में क्या आ जाता है कि सेल्फ रेगुलेटिंग ग्रुप हो जाता है जो कि बायोटिक कम्युनिटीज हैं स्पीशीज की और वो उनका आपस में कैसा इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ में और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ में और वो कैसा एक्सचेंज कर रहे हैं किस तरीके से एक्सचेंज कर रहे हैं एनर्जी एंड मैटर को तो ये एक सिस्टम आ जाता है यानी कि एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है यानी कि इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है किसी भी इकोलॉजिकल स्टडीज़ की जहाँ पर कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है और साथ साथ एक्सचेंज होता है मटेरियल का बिटवीन दी प्लांट्स एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। द एनर्जी ऑफ दी दिस वर्क कम्स फ्रॉम द सन एग्जांपल के थ्रू ये समझो देखो इकोसिस्टम क्या होता है मान लो फॉरेस्ट की बात की जाए फॉरेस्ट में हमारा जो सन रहता है सन एनर्जी का सोर्स है तो सन की जो लाइट आती है सन की लाइट आने की वजह से हमारे जो पेड़ पौधे जो रहते हैं फॉरेस्ट बनते हैं और साथ में क्या होता है यानी कि बारिश भी होती है यानी कि पूरा का पूरा एक सिस्टम चलता है ठीक है यानी कि सन की एनर्जी का यूटिलाइजेशन करा प्लांट्स ने जिसके द्वारा फूड बनाया फूड बनाया अब फूड को कौन खाएगा फूड को खाने वाले जो हार्बी बोर्स होते हैं यानी कि जो शाकाहारी जीव जंतु रहते हैं किसी भी फॉरेस्ट में तो वो क्या खाएंगे घास फूस यही जो कि सनलाइट ने एनर्जी दे दी तो पेड़ पौधे घास फूस आ गई तो उसको खाया हार्बी बोर्स एनिमल्स ने जैसे कि आ, हिरन वगैरह हो गई तो उन्होंने उसको खाया देन उसके बाद क्या होता है उससे ऊपर लेवल पे जो कि मांसाहारी होते हैं जिसका कि भोजन हमारा सा... कुछ जो छोटे एनिमल्स रहते हैं वो तो वो क्या करेंगे जैसे कि टाइगर हो गया शेर हो गया तो ये क्या करेंगे ये जो शाकाहारी जो रहते हैं उनको अपना भोजन बनाते हैं तो क्या हो गया एक तरीके का इकोसिस्टम हो गया कि सन की एनर्जी को प्लांट्स ने यूटिलाइज किया और प्लांट्स की एनर्जी को किसी ने खाया और अपना पेट भरा उसने एनर्जी को यूटिलाइज़ किया देन उनकी एनर्जी को किसी और जीव जंतु ने किया तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है तो ईको क्या है किसी भी एक लेवल का जैसे कि फॉरेस्ट का इको हो सकता है वाटर के अंदर भी इको होता है यानी कि पर्टिकुलर एरिया का इकोसिस्टम जिसमें कि बायोटिक कम्युनिटीज या किसी भी स्पीसीज की रहती हैं वो कैसा इंटरेक्शन करती हैं एक दूसरे के साथ में और साथ में नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में एनर्जी को कैसे एक्सचेंज करती हैं मैटर को कैसे एक्सचेंज करती हैं इसी को ही क्या बोला जाता है इकोसिस्टम बोला जाता है दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं इस तरीके से हम टॉपिक बाय टॉपिक लेक्चर पूरा कवर कर लेंगे मैं मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ में तब तक, तक अपना ख्याल रखना हैवे नाइस डे